हे गाइस, वेलकम टू अवर एपिसोड नंबर 5। आज है हमारा एपिसोड नंबर 5, जहाँ पे आए हम मानेसर में, हरियाणा में मानेसर। और आप देख पा रहे होंगे, ये है पीछे पंचगांव, ये है बिल्कुल हाईवे पे। अगर आप हाईवे देख पा रहे होंगे, ये पूरा हाईवे है, ये पूरा हरियाणा हाईवे, जयपुर हाईवे है, तो ये पूरा हाईवे है। यहाँ पे ये है पंचगांव। पंचगांव में आज हम कवर करने आए हैं यहाँ का सरपंच पराठा। हरियाणा में सरपंच जी हो, सरपंच पराठा कवर करने। तो चलते हैं, अंदर चलते हैं, यहाँ की मेकिंग देखते हैं, और मेकिंग के साथ साथ आपको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है यहाँ का सरपंच पराठा, वर्थ इट है या नहीं है, और इसका एक प्राइस भी ज़रूर बताऊँगा। और साथ के साथ 4-5 आइटम और भी ट्राई करूँगा, तो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ मेकिंग में। तो चलो चलते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पे। अब अंदर देखो, काफ़ी अच्छा एम्बियंस बना हुआ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी एंट्रेंस है इसकी, और खूब सारी स्पेस है। अगर आप किसी फैमिलीज के साथ, और आप ट्रिप पे भी आते हो, 50, 60, 70, 80, 90 लोगों की पूरी सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे। भैया जी नमस्कार। पूरी अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी, और बाहर आउटडोर की भी जगह है अच्छे से। एसी, फुल्ली एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है ये यार। ये सामने अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो ये आ गई हमारी किचन, और काफ़ी वेल वार्मिंग जगह है, काफ़ी अच्छी बढ़िया जगह है। तो चलते हैं अपने पराठे की मेकिंग की तरफ। हम बनवा रहे हैं अपना फ्रेशली सरपंच पराठा। वहाँ पे भी ऑलरेडी बने बनाए भी पड़े हैं, बट हमने अपना बनवाया फ्रेशली यहाँ पे आके। और ये है कि हमारी पूरी स्टफिंग आएगी, ये जी इसकी पूरी स्टफिंग, इसमें है जी पनीर, आलू और आलू प्याज दोनों मिक्स हैं। तो चलो बनवाते हैं अपना सरपंच पराठा। बिलना चालू हो गया हमारा पराठा, कि देखो कितना ही बड़े साइज का हो गया है पराठा। आ चुका है पराठा हमारा तवे के ऊपर, और ये बन चुका है। अब इस पर डालेंगे भैया बहुत सारा ऑयल, क्योंकि ऑयल के बिना जब ये देसी घी में बनाते हो, देसी घी में बनाते हैं, सॉरी मैंने ऑयल बोल दिया, ये बनता है पूरा प्योर देसी घी में। लगने जा रहा है इतना सारा घी, कितने ही क्वांटिटी में इसमें घी लगेगा, आप देख सकते हो कि पूरा देसी घी लगा दिया भैया ने। इसको अच्छे से सेक रहे हैं पराठे को, मज़ा आ जाएगा इसको पराठा ही खा। हो रहे हैं स्लाइसेस हमारे पराठा के, पराठा आ चुका है हमारा पूरा रेडी। काफ़ी सारा खोया, चीज़ और कुछ स्पाइसेस, ये स्पाइसेस हैं इनकी स्पाइसेस हैं। ये काफ़ी सारे नट्स डाल चुके हैं अभी, और आ चुके हैं जी कुछ दही, ये आ चुका है रायता, बीट रूट सॉस है, ये कर्ड है, खीर है जी, बटर आ गया हाँ जी, सोया चाप आ गई, पनीर बटर मसाला हाँ जी, आलू मटर है, क्या बोला, आलू मटर, ओके, शाही पनीर आ गया, दाल पंचगांव आ गई, दाल मखनी, गुलाब जामुन, तो हो चुका है हमारा बिल्कुल सरपंच पराठा बिल्कुल रेडी। ये आ चुके हैं हमारे पूरे सरपंच पराठा में, काफ़ी सारे रायते, खीर, और ये आ गए बटर, गुलाब जामुन स्वीट डिश के लिए, ये काफ़ी सारी ग्रेवीज हैं, और पापड़ के साथ हो चुका है हमारा 22 इंच का सरपंच पराठा रेडी, जिसकी कॉस्टिंग है 1500 रुपीज़, इंक्लूडिंग सारे टैक्सेस के साथ, इंक्लूडिंग सारे टैक्सेस। तो आ चुका है हमारा सरपंच पराठा बिल्कुल रेडी, थोड़ा सा हमने खा लिया है, अब आपके लिए शूट करने के लिए हमने रखा हुआ है। देखो कितना ही बड़ा साइज होता है एक सरपंच पराठे का, नॉर्मल पराठे के जितना होता है, नॉर्मल पराठे से भी बड़ा है। इसमें टोटल 8 पीस आते हैं, इसकी कॉस्टिंग है 1500 रुपये जैसे मैंने आपको बताया, इंक्लूडिंग टैक्सेस के साथ। तो चलो अपन ट्राई करते हैं एक हमारा पूरा सरपंच पराठा, और कैसे ये टेस्ट में बताते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर देखो, आप काफ़ी सारा देख चुके हो, खोया डल चुका है, नट्स डल चुके हैं, मैंने कुछ सब्जी पहले ऑलरेडी ले ली थी, तो दोबारा से ट्राई करते हैं और बताते हैं आपको कैसा है। वैसे मैंने खा लिया है, बट मैं वीडियो के लिए दोबारा खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी है पराठा लिटरली। ऐसा नहीं है कि आप इतना बड़ा पराठा है क्वांटिटी में ज़्यादा बनाएं तो आपको टेस्टी नहीं लगेगा, टेस्टी ज़रूर है ठीक है। और इतनी सारी डिशेज़ आती है, ये आप देख सकते हो, सारी पूरी आपकी ग्रेवी, सारी डिशेज़ आती है,
तो चलो ट्राई करते हैं एक पराठे की बाइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पराठा बिल्कुल टेस्टी है, टेस्ट वाइज बिल्कुल घर जैसा पराठा है। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि इतना बड़ा पराठा बनाया तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, टेस्ट नहीं आ रहा होगा। टेस्ट इसमें पूरा आ रहा है, एकदम बढ़िया मज़ेदार वाला पराठा। और देसी घी में बनाया तो उसका टेस्ट तो आपको पता ही है, लाजवाब हो जाता है देसी घी में बनाने से। तो ट्राई करते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं वीडियो में, चलिए बनी रहे। तो आज आ चुके हैं हम इनकी दूसरी वाली किचन में, जहाँ पे है, जहाँ पे बन रहा है हमारा डोसा। सेकंड मेकिंग है, भूख तो लगी रही थी, सरप्राइज पराठा से पेट भरेगा नहीं भरेगा, डोसा की भी मेकिंग देखते हैं। तो डोसा बनाना चालू करिए भैया। कहाँ पे बनाओगे भैया? हाँ बहुत बढ़िया। लग चुका है हमारा डोसा, ये आ चुका है हमारे डोसे के फेवरेट। हम बनवा रहे हैं कैप डोसा, जिसमें आलू की फिलिंग होती है अलग से। तो ये जो आ चुका है हमारे डोसे के में, पटाना अब डालो। हाँ का है हमारा डोसा बन के बिल्कुल रेडी। ये हो गया हमारा डोसा, तो चलो इसको भी ट्राई करके बताते हैं हमारा डोसा कैसे है टेस्ट में। यहाँ पे सारी की सारी किचन ना अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग। हम अंदर गए थे सबसे पहले किचन में सरपंच पराठा देखने, ये आ चुके हैं हम थर्ड किचन में, जहाँ पे बन रहा है वुड फायर पिज़्ज़ा। ये पूरी इनकी काफ़ी सारा बड़ा एरिया बना रखा है इन्होंने, और यहाँ पे बन रहा है पूरा वुड फायर पिज़्ज़ा। और ये रहा हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी भी हो चुका है, ये आ चुका है हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी, ओवरलोडेड वेजी, यम्मी लग रहा है काफ़ी। चलो उसको भी टेस्ट करके बताते हैं। स्टाइल से हाँ जी, कितना ही टेम्पटिंग हमारा पिज़्ज़ा ये आ गया। इसका चीज़ पुल कितना ही देखो बढ़िया लग रहा है, मस्त लग रहा है। चलो उसको ट्राई करके बताते हैं फटाफट कैसा लग रहा है। तो करते हैं ट्राई अपना पिज़्ज़ा सबसे पहले। काफ़ी टेम्प्टिंग है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो चीज़ पुल भी आएगी। रुको दिखाता हूँ, देखो आ रही है चीज़ पुल। तो ऐसा नहीं है कि आप बाहर आए हो, हाईवे पे आए हो या किसी ढाबे पे, जैसे बेसिकली ढाबा तो है नहीं, बिल्कुल रेस्टोरेंट है। तो आपको ऐसा नहीं है कि पिज़्ज़ा का कोई टेस्ट है वो नॉर्मल मिलेगा या आपको ऐसी पिज़्ज़ा दे दिया। काफ़ी अच्छा टेस्ट है लिटरली, और आप देख पा रहे हो हमने वेजी ओवर लोडेड पिज़्ज़ा लिया है, जो सबको पसंद आता है। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है, मज़ा आ रहा है खाने में। इसका प्राइस और सारी चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूँगा। क्या आप यार इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, पंचगांव की एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूँगा। पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। थैंक यू।